तो बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जेट किंग के एक ऐसे कोर्स के बारे में जो कि वो 100% प्लेसमेंट की गारंटी दिलाते हैं और वहां से प्लेसमेंट मिलता भी है। तो बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कौन सा कोर्स है, उसके क्या बेसिक डिटेल्स हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखते रहना, इसमें जितना भी आपका कन्फ्यूजन है, डाउट है, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, जेट किंग इंस्टीट्यूट जो कि एक काफ़ी अच्छा ब्रांड इंस्टीट्यूट है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स के बारे में, बेसिकली इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ था कि जेट किंग का असली सच क्या है, वो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पे विजिट करके वहाँ से आपको मिल जाएगा, या उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकती है, जाके उसे ज़रूर चेक करना। तो मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जो कोर्स है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का, उसमें लगभग लगभग वो 100% प्लेसमेंट कराते हैं एंड उसकी गारंटी भी लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उस पर, क्योंकि चीज़ें सारी 100% नहीं होती हैं बाय द इंस्टीट्यूट, कुछ एफर्ट अपने को भी देना पड़ता है, कुछ चीज़ें अपने को भी वहाँ पे करनी पड़ती हैं, और मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि 99% भी अगर वहाँ से वो गारंटी ले रहे हैं और वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो प्लेसमेंट होते हैं वहाँ पे, ये फैक्ट है। एंड उसका एक जो लिम्का बुक रिकॉर्ड में उसका नाम भी है जेट किंग इंस्टीट्यूट का, और बेस्ट प्लेसमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है जेट किंग इंस्टीट्यूट को। तो आप चाहो तो जेट किंग एक बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है आपके हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, इसमें बिहाइंड द रीज़न क्या होता है, जो कि मुझे लगता है कि इसका जो डिसएडवांटेज है, या जो थोड़ा सा लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा लेते हैं। टाइम इन द सेंस कि आपका 5 से 6 महीना कम से कम हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स ख़त्म करने में वो 5 से 6 महीने वहाँ पे ले लेते हैं। जो इसकी जो फीस होती है वो अराउंड अराउंड 50,000 के समथिंग कुछ होती है। इसके कभी कई इंस्टीट्यूट पे 70 भी है, कहीं 60 भी है, कहीं 40 भी, वो डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे और उस इंस्टीट्यूट की ब्रांच पे। तो एंड दोस्तों, मैं बता दूँ, मेरे साथ बहुत लोग ऐसे मिले हैं, मेरे टीम में ऐसे कई बंदे हैं जो हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करके आज एक वो मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं। अगर उनसे पूछो कि क्या किया, तो यही बोलते हैं डायरेक्टली कि हार्डवेयर नेटवर्किंग किया था जेट किंग से। तो मुझे लगा कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर एक जगह ही 4-5 लोग ऐसे मिल जाते हैं कि अगर जेट किंग से उन्होंने किया और उसके बाद प्लेसमेंट हो गया, तो लगता है कि वो इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट दिलाता होगा। बाकी दोस्तों, रही बात प्लेसमेंट की और जॉब दिलवाने की, तो अगर आप हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको जॉब दिला देगा। अब ये तो करेगी कि नहीं कोई कंपनी, कि आपको घर से उठा के डायरेक्ट वहाँ पे जॉब दे दे। बेसिकली वो पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाते हैं कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। अब आप वहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें फिर आप पे डिपेंड हो जाती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको जॉब दिलवा देगा। बाकी कुछ इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, आप चाहो तो वहाँ अदर इंस्टीट्यूट भी प्रेफर कर सकते हो। ना कि ये वीडियो कोई प्रमोटेड नहीं है, या मैं उस इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं कर रहा। आप चाहो तो कोई सा भी इंस्टीट्यूट प्रेफर कर सकते हो। बेसिकली आपको भी अपने आप में एफर्ट देना होगा, इसके बाद ही जाके आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, वो किसी भी फील्ड में हो। मैं यहाँ पे हार्डवेयर नेटवर्किंग को ना लेके, सॉफ्टवेयर हो, अकाउंट्स हो, टैली हो, या BPO वगैरह हो, कोई सा भी सेक्टर हो, या फाइनेंस का A to Z सेक्टर हो, अगर आपके अंदर एफर्ट नहीं है तो दुनिया में कोई भी ऐसा कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं बने हैं जो डायरेक्टली आपको जॉब दिला देंगे। बाकी आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो, और आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर डिपेंड करती हैं। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट्स या क्वेरी है, नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।